सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और एकदम से मस्त होंगे। सो गाइस, आ गया आपका भाई फिर से भोजपुरी डीजे स्टेटस के ऊपर काफ़ी धमाकेदार स्टेटस का ट्यूटोरियल लेकर, जो कि काफ़ी आप लोगों को वीडियो पसंद आने वाली है। तो गाइज, ये सॉन्ग अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो चलिए आज इस सॉन्ग के ऊपर हम लोग वीडियो एडिटिंग करेंगे, जो कि अभी आप रिव्यू देखेंगे। ठीक है, फिर मैं उसका फुल स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल दूंगा। आपको ये स्टेटस कैसा लगता है आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के हर एक कमेंट से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। सो गाइस, चलिए पहले प्रीव्यू भी देख लेते हैं, फिर मैं उसका फुल स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल देता हूँ आपको। लेट्स गो। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो अभी आपने जो प्रीव्यू स्टेटस देखा, आपको ये स्टेटस प्रीव्यू कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और गाइज, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देगा। सो गाइज, इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एलाइटमोशन में मेरे जो डिस्क्रिप्शन में दो प्रोजेक्ट्स दिए हैं उन दोनों को आपको इम्पोर्ट कर लेना है। ठीक है, एंड अपने एलाइटमोशन को तो आप ओपन कर लेना। देन हमारा जो सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट है और आपका सिक इफेक्ट प्रोजेक्ट है, कुछ इस टाइप से आपको ओपन होने के बाद देखने को मिलेंगे। आपको सिंपली सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है एंड हमारा सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग में आपको कुछ फोटोज़ को 9:60 के रेशियो में क्रॉप कर लेना है। मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोज़ में बताया कि आप फोटोज़ को कैसे क्रॉप कर सकते हो, तो आप देख लेना। ठीक है, एंड मैं फोटोज़ को जो क्रॉप किया हूँ उसे ऐड करने के लिए सिंपली इस लेयर पर क्लिक करूँगा। एंड आपको यहाँ पे जो क्लिक करते हैं कलर एंड फिल का ऑप्शन एक देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा एंड स्टार वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा फाइल ओपन हो जाएगा, जिस भी फाइल में आपका फोटो होगा यहाँ से उस फाइल को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने अपने फाइल को ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा हुआ है। सिंपली मुझे क्या करना है कि एक फोटो को यहाँ पे मैं ले लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमारा देख सकते हो बैकग्राउंड में ऐड हो गया है। देन हमारे यहाँ पे जो सेकंड वाला लेयर है, सेकंड वाले लेयर पे भी हमें इसी तरह से सेम फोटो पर क्लिक, मतलब इस लेयर पर क्लिक करना है एंड कलर फिल का ऑप्शन में चले जाना है और फोटो को ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे करते हैं ऐड। सो गाइस, यहाँ पे हम इस पर भी फोटो को देख सकते हो ऐड कर दिए हैं। ठीक है, और हमारा फोटो एकदम परफेक्ट ऐड हो चुका है। ठीक है, एंड आपको उसके बाद क्या करना है कि नेक्स्ट बीट पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट बीट पे आएंगे जहाँ पे हमारा लेयर ख़त्म हो रहा है एंड यहाँ पे प्लस वाले पे क्लिक करके मीडियम चले जाएंगे एंड यहाँ से अपने उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे जिस फाइल में हमने फोटोज़ को रखा हुआ है। ठीक है, एंड उस फाइल को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है कि फोटोज़ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको ऊपर में जो 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पर क्लिक करना एंड यहाँ से इसे फिल कंपोजिशन एरिया पे सेट कर देना है। ठीक है, एंड गाइस नेक्स्ट बीट पर आगे इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना। सो गाइस, यही प्रोसेस करते हुए आपको लास्ट तक फोटोज़ को ऐड करना है। तो चलिए हम लोग फोटोज़ को करते हैं ऐड। लेकिन गाइस, यहाँ पे आपको एक डबल बीट मार्क देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको फोटोज़ को इस तरह से चेंज करना है लेयर वाला। ठीक है, तो इस लेयर से पहले यहाँ पे हमारे जितना भी बीट्स हैं उन पर हम फोटो को ऐड करेंगे एंड फिल कंपोजिशन एरिया पे रखेंगे और इस लेयर के बाद हमारा जो है उस पर हम लोग अलग तरह से फोटोज़ को ऐड करेंगे। चलिए इसको पहले करते हैं ऐड और थोड़ा सा वीडियो कर देते हैं स्किप। सो गाइस, यहाँ तक फोटोज़ को ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे डबल बिट मार्क देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आ जाना है आपको एंड यहाँ पे आपको सबसे पहले तो बैकग्राउंड में एक इमेज को ऐड कर लेना है। जैसे आप देख सकते हो मेरा बैकग्राउंड वाला यहाँ पे लेयर है, इस पर मैं क्लिक करूँगा कलर एंड फिल का ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे स्टार वाला ऑप्शन पर क्लिक करके मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसे यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ बैकग्राउंड में। ठीक है, इस टाइप से मैं इसे ऐड कर लूँगा बैकग्राउंड इमेज को, देख सकते हो हमारा ऐड हो गया। एंड इसके बाद हमारा ऊपर यहाँ पे जो दो लेयर्स आपको देखने को मिले थे इन दोनों लेयर्स को हमें कॉपी करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो एक ग्रुप एंड लेयर है, तो मैं इन दोनों लेयर्स पे इस तरह से होल्ड प्रेस करूँगा एंड यहाँ पे दोनों पर सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, एंड यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके कॉपी टू लेयर्स कर लेंगे एंड गाइस नेक्स्ट बिट पे आएंगे एंड फिर से यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट टू लेयर कर देंगे। सो गाइस, हमारा पेस्ट टू लेयर करते हैं, आप देख सकते हो हमारा यहाँ पर लेयर पेस्ट हो जाएगा फिर से। ठीक है, सो गाइस इसी तरह से हमें नेक्स्ट बिट पर भी आना है। इसी तरह से आप देख सकते हो हमारा नेक्स्ट बिट तक ये इंक्रीज हो गया, फिर से हमें नेक्स्ट बिट पर आगे यहाँ पे पेस्ट टू लेयर कर देना है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे वन बाय वन करके इसी तरह से बीट्स पे आके वन यहाँ पे आपको सिंपली पेस्ट करते चलना है, आपका नेक्स्ट बिल्ड तक ऑलरेडी ये ग्रुप अप्लाई हो जाएगा। ठीक है,
अगर आपका ग्रुप बड़ा या छोटा होता है तो आप टाइमिंग वाला ऑप्शन, स्पीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके उसे मैनेज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस तरह से लास्ट तक आपको इसी तरह से लेयर को ऐड करके दिखाता हूँ जहाँ तक हमारा डबल बिट मार्क है। तो ये देख सकते हो डबल बिट मार्क तक मैंने अप्लाई कर दिया। यहाँ पर हमारा ग्रुप थोड़ा सा छोटा हो रहा है तो मैं यहाँ पे इसे टाइमिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ तक इंक्रीज कर दूँगा। ठीक है, आपको भी इसी तरह से इंक्रीज कर लेना है। एंड उसके बाद क्या करना है गाइज कि यहाँ पे एक इमेज करके जो नीचे वाला लेयर है सिंपली इस पे फोटोज़ को ऐड करना है। तो गाइज फोटोज़ को ऐड करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको फोटोज़ को ऐड करना है। उसके लिए गाइज क्या करना है गाइज कि आपको सबसे पहले तो फोटोज़ को 9x60 रेशियो में क्रॉप कर लेना है। एंड यहाँ पे इमेज करके यहाँ पे जो फोटो वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करना ग्रुप के नीचे वाला लेयर। ठीक है, एंड कलर एंड फिल का ऑप्शन में चले जाना और यहाँ पे स्टार वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जो भी फोटो क्रॉप होगा सिंपली उस फोटो के पास आ जाना है। एंड उस फोटो के पास आने के बाद सिंपली इस फोटो पे क्लिक करके प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। एंड आप देखोगे कि आपका फोटो वहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें फोटोज़ को ऐड करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सभी लेयर्स पे फोटोज़ को ऐड करते हैं और थोड़ा सा वीडियो कर देते हैं स्किप। सो गाइज ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पे आगे जितने भी ग्रुप्स एंड लेयर्स देखने को मिलेंगे सब पे आपको फोटोज़ को ऐड कर देना है। तो सभी फोटोज़ को ऐड कर देने के बाद आपको आ जाना है अपने इफेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर। एंड यहाँ पे मैंने आपको जो फर्स्ट वाला इफेक्ट आपको दिया हुआ है सिंपली आपको उस फोटो पे क्लिक करना है। एंड इफेक्ट में जाने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। ठीक है, कॉपी इफेक्ट करने के बाद गाइज आपको आ जाना है, यहाँ से बैक हो जाना है एंड अपने सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। एंड गाइज हमारा सॉन्ग बिटमार्क ओपन होने के बाद हमारा जो स्टार्टिंग में लेयर था, ठीक है, इस लेयर के आगे हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट बिट पे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट बिट है इस बिट पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमारा जो फोटो है सिंपली इस फोटो पे क्लिक करेंगे एंड इफेक्ट में चले जाएंगे और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके हम लोग पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। ठीक है, एंड आपको क्या करना है कि वन बाय वन करके नेक्स्ट फोटो पे आते जाना है और इसी तरह से सारे फोटोज़ पे क्लिक करके एंड इफेक्ट में जाने के बाद इफेक्ट को अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इसी तरह से चलेगा जब हम लोग नेक्स्ट डबल बिट मार्क तक जितने भी फोटोज़ आते हैं उन सारे फोटोज़ पे इसको अप्लाई करते हैं और थोड़ा सा वीडियो कर देते हैं स्किप। सो गाइस फर्स्ट इफेक्ट को अप्लाई कर देने के बाद आपको अपने सेक इफेक्ट के अंदर आ जाना है। ठीक है, हमारे जो सेक इफेक्ट है उसके अंदर हम लोग आ जाते हैं। एंड उसके बाद आपका जो यहाँ पे सेकंड वाला इफेक्ट इस टाइप से देखने को मिल रहा है इससे आपको ले लेना है। एंड यहाँ से आपको इसे क्लिक करके इफेक्ट में जाने के बाद कॉपी इफेक्ट कर लेना है। ठीक है, कॉपी इफेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से हो जाना है बैक अपने सेक इफेक्ट मतलब सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट के अंदर आ जाना है। और सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद गाइज आपको जहाँ पे हमने ग्रुप और लेयर ऐड किया था उसके बाद जो फोटो आ रहा है उस पर हम लोग इसे अप्लाई करेंगे। तो गाइज मैं यहाँ पर टाइमिंग भी आपको बता दूंगा, आप टाइमिंग भी नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, आपको जो टाइम है आप देख सकते हो हमारा बीट जो है 18.3 सेकंड पे हमारा जो यहाँ पे फोटो आपको देखने को मिल रहा है सिंपली इस फोटो पे क्लिक करेंगे एंड इफेक्ट में चले जाने के बाद हमने जो सेकंड वाले इफेक्ट को कॉपी किया यहाँ पे सीधे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, एंड आपको इसी तरह से क्या करना है कि नेक्स्ट बीट पे भी आना है और आपको अगले वाले फोटो पर भी इसे अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो भाई इसे आपको वन बाई वन करके सारे फोटोज़ पर यहाँ पर अप्लाई करना है जहाँ हमारा नेक्स्ट लेयर या डबल बिट मार्क देखने को नहीं मिल रहा तब तक से इसे आपको वन बाई वन करके अप्लाई करते चलना है। तो चलिएगा जिसे अभी हम करते हैं अप्लाई और थोड़ा सा वीडियो कर देते हैं स्किप। तो गाइज यहाँ तक इफेक्ट को अप्लाई कर देने बाद आपको आ जाना है ऐसे बैक एंड अपने सेक इफेक्ट के अंदर आ जाना है और आपका जो यहाँ पे थर्ड वाला इफेक्ट है सिंपली इसे यहाँ से आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना है। ठीक है, कॉपी इफेक्ट करने बाद गाइज आपको आ जाना है फिर से सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट के अंदर एंड आपने हमने जहाँ तक अभी लास्ट वाला फोटो पे इफेक्ट को अप्लाई किया था वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्क्रॉल करते हैं और हम लोग अपने वहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे हमने अभी तक इफेक्ट को अप्लाई किया है। सो गाइज आप देख सकते हो यहाँ तक हमने इफेक्ट को अप्लाई किया था एंड उसके बाद हमारा कुछ इस टाइप से आपको लेयर देखने को मिल गया होगा। इस लेयर पे आपको फोटो अप्लाई करने के बाद हमारा जो यहाँ पे 21.17 सेकंड पे जो फोटो आ रहा है इस फोटो पे सिंपली क्लिक करके इफेक्ट में चले जाना है और यहाँ पे अभी जो थर्ड वाला इफेक्ट को कॉपी किया इसे सिंपली पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एंड गाइज इसी तरह से यहाँ से लेकर लास्ट तक यहाँ पे जितने भी फोटोज आएंगे उन सारे फोटोज पे यही थर्ड वाला इफेक्ट को अप्लाई कर देना। देन गाइज जब सारे इफेक्ट को आप अप्लाई कर दोगे तो आपका वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा, आपको सिंपली वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।